देखिए ये कुछ हमारे पास तीन चार थानों के से कुछ तस्वीरें सामने आई है इस वक्त। इस तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान की जो अजमेर पुलिस है वो इस वक्त गरीबों की मदद करने के लिए आगे आई है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। पुलिस एक तरफ अपनी जिम्मेदारी को धारा 144 की पालना और कोरोना महामारी से बचाने में सड़कों पर उतरी हुई सड़कों पर है, लोगों को कड़ाई से नियमों की पालना करवा रही है। और वहीं एक तस्वीर उनकी ओर से जा रही है जब लोगों की मानसिकता ये हुआ करती थी कि पुलिस केवल सख्ती बरतती है, पुलिस केवल क्राइम को कंट्रोल करती है, लेकिन वहीं अब ये जो तस्वीर आ रही है ये आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस गरीब असहाय लोगों के घर पर सीधे उनकी जो गाड़ी है उनका जो थाना क्षेत्र है वहां पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आटे के कट्टे और दाल जो जरूरत की चीज है, यानी कि जैसा मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर कर आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को, चाहे वो एनजीओ हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस के लोग हो, तमाम लोगों को ये आदेश निर्देशित कर रहे हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि कहीं भी राजस्थान के अंदर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए और उसके लिए सभी लोगों को अगर आगे आके एक पहल करनी चाहिए। और उसी पहल की कड़ी के अंदर ये अजमेर पुलिस इस वक्त आपको उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही है। अजमेर पुलिस के अलवर गेट और ये किशनगंज थाना है, ये इलाके के क्षेत्र है, यहाँ के जो पुलिस कर्मी है वो इस वक्त इन इलाकों के अंदर जो कच्ची बस्ती के इलाके हैं वहां पर पहुंचे हैं अपनी गाड़ियों के साथ और गाड़ियों के अंदर सामान लेकर गए हैं। हमेशा ये देखा गया कि गाड़ियों के अंदर पुलिस जवानों के साथ में लाठियां लेकर ही जाती थी, क्राइम को कंट्रोल करने जाती थी, लेकिन ये देखिए आप तस्वीरों के अंदर कि पुलिस इस वक्त है, लोग कोई भी अजमेर के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी के भी आवश्यक चीजों की जरूरत की कमी नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए अजमेर एसपी कुंवर राजदीप सिंह ने भी निर्देशित किया है सभी को कि कहीं भी आदमी ऐसा अगर है तो वहां तक पुलिस अपने माध्यम से उन तक पहुंचे और उनको सुविधा मुहैया कराए। और इसी कड़ी के अंदर ये आटे और दाल की जो जरूरत की चीजें हैं वो इन लोगों को दी जा रही है। इसके साथ ही आप पुलिस का आपको एक रोल और नजर आ रहा होगा इसके अंदर कि पुलिस माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है गलियों के अंदर, चौराहों के ऊपर, मोहल्लों के अंदर जाकर अनाउंसमेंट कर रही है कि किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे उनको अपनाना है, उसके साथ में किन किन सामानों को लेने के लिए आपको बाजार के अंदर जाना है, नजदीकी दुकान जो है वहां पर आपको जाना है, सामान लेना है और वापस अपने घर पे आ जाना है। स्टॉक माल को इस वक्त किसी भी तरीके की परचूनी के सामान को आपको नहीं करना है क्योंकि सामान जो है वो आपको लगातार मिलेगा ही मिलेगा। वहीं दूसरी तस्वीर आप अलवर गेट थाने के यहाँ से आ रही है, उसके अंदर आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि कैसे पुलिस सख्ती बरत रही है, धारा 144 की कड़ाई से पालना कर रही है। जो लोग अनावश्यक सड़कों के ऊपर आ रहे हैं बिना कारणों के घूमने के लिए केवल आ रहे हैं, उन लोगों की गाड़ियां तुरंत प्रभाव से पुलिस जब्त कर रही है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस बहुत सख्ती से इस वक्त पेश आ रही है, सड़क पर जो भी आदमी अनावश्यक निकल रहा है उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। और जब्त करने के साथ में एक बात दर्शकों को ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप बेवजह निकलेंगे तो ये गाड़ी आपकी आजकल में नहीं मिलेगी, गाड़ी आपको लॉकडाउन के बाद ही मिलेगी। इसीलिए जब तक अगर आपको कोई आवश्यक काम ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले, नहीं तो हो सकता है कि बेवजह ही आपको आपके अपनी थोड़ी सी मस्ती के लिए सड़क पर घूमने के लिए आपको अपनी गाड़ी कुछ समय के लिए शायद जब पुलिस को करनी पड़ जाए। तो उस सख्ती से बचने के लिए लोगों को अपने घर पर ही इस वक्त रहना चाहिए, आवश्यक काम हो तो नजदीकी दुकान पर जाकर पैदल वो सामान को भी ला सकता है। तो ये तस्वीर अलवर गेट थाने से भी है, वहां पर समझाइश भी की जा रही है। उसके साथ साथ कालाबाजारी की जो खबरें हमारे पास सुबह से आ रही है तो उन खबरों के अंदर आप देखिए कि प्रशासनिक जो अमला है उसके अंदर पुलिस का जो रोल है, पुलिस के आला अधिकारी जो है, पुलिस के जो जवान है वो इस वक्त तमाम सब्जी वालों को, किराना वालों को ये समझाइश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं चलेगी, कालाबाजारी नहीं करनी है, कोई करता है तो आप नजदीकी थाने को भी फोन कर सूचित कर सकते हैं, उनको भी सूचना दे सकते हैं, नजदीकी थाने में सूचना देकर आप कालाबाजारी को रोक सकते हैं। इसके लिए आम जनता आगे आए और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट ऐसी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश में जगह शहर में जगह जगह कालाबाजारी हो रही है, दुकानों पर कालाबाजारी हो रही है, लेकिन उसमें कोई सूचना किसी को नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब जो पुलिस का ये रोल नजर आया है इसमें आम जनता को ये ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त एमपीटीवी इंडिया भी अपील करता है कि अगर कोई भी दुकानदार कालाबाजारी करता पाया जाता है तो आपका जो नजदीकी थाना लगता है, आपके जो बीट अधिकारी लगते हैं, आप तुरंत प्रभाव से उनको कॉल कर सूचित करें, क्योंकि पुलिस आज से ये समझाइश भी कर रही है, दुकानदारों से भी कर रही है
सब्जी वालों से भी कर रही है कि उनको यहाँ पर कीमतें नहीं बढ़ानी है, कीमतें जिन कीमतों में से अभी बाजार चलता आ रहा है उसी तय कीमतों के हिसाब से उनको माल बेचना है। इसके साथ साथ पुलिस ने थोड़ी सी ये सहूलियत और दी है कि आवश्यक काम के लिए आप आए, और अगर कोई भी आदमी आपके आसपास कोई भूखा है उस पर जरूरत नहीं पहुंचती है तो इसके लिए भी आप सूचित कर सकते हैं। इसके लिए भी जो हंगर फूड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वहां पर फोन कर सकते हैं, और वहां से कोशिश लगातार सबसे जारी है कि किसी भी प्रकार से प्रदेश के अंदर अजमेर के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना मरे। लॉकडाउन के तहत जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो आदेश मिल रहे हैं उसके तहत पूरी पालना कराने की कोशिश की जा रही है, और जो परचूनी दुकान है या मेडिकल शॉप है वहाँ पर अनावश्यक भीड़ लग जाती है तो वहाँ पर एक एक मीटर की दूरी पर घेरे लगाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि अनावश्यक भीड़ नहीं हो और दूरी मेंटेन रहे ताकि किसी का संक्रमण नहीं हो। इसके अलावा उनको ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि काला बाजारी नहीं हो, ओवर रेट किसी भी सूरत में कोई वसूलेगा नहीं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उनको ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाएँ ताकि ग्राहकों को पता रहे कि वास्तव में सरकार ने क्या रेट लिस्ट तय की है, उससे अधिक वो दाम नहीं ले पाए। इसके साथ साथ हमने जो फल फ्रूट वाले हैं या जो सब्जी मंडी में जो सब्जियां वाले हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि ओवर रेट नहीं दें अनावश्यक ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। ये कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जो लॉकडाउन किया गया है उस लॉकडाउन की अनुपालना में जो भी गाइडलाइन है उनकी पालना की जा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान ये देखा गया है और हमारे एसपी साहब ने इस चीज़ को फील किया है कि जो खानाबदोश लोग हैं या जो डेली बेसिस पे काम करते हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है और उन तक भोजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस बात के निर्देश एसपी साहब ने प्रदान किए हैं जिस पर स्थानीय भामाशाहों को प्रेरित किया गया। तो संचेती होटल और आज़ाद स्वीट्स वालों ने हमारे यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के बाहर काफ़ी खानाबदोश लगभग 100-125 लोग हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं जिनको भी आने जाने के साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको खाना खिलवाया गया था। सर लगभग कितने जनों को खाना खिलाया था? ये लगभग 125 के लगभग थे। सर कलेक्टर और क्षेत्र जो खाना है ये कल भी ऐसा प्रयास रखेगा, आगे भी रखेगा? हाँ, हमने बाबासाहों को कहा है क्योंकि ये काफ़ी संख्या में यहाँ पे ये लोग यहीं पर रहते हैं और भी कई लोग आके इनको खाना खिला के जाते हैं, और भी लोगों को हम इसके लिए प्रेरित करेंगे कि इनको खाना समय पर मुहैया हो सके। अजमेर शहर वालों को कुछ संदेश देना चाहते हो कि सर आप? अजमेर शहर वालों को यही है कि कम से कम जो भी भामाशाह है वो इन कार्यों के लिए आगे आए कि अजमेर शहर में कोई भूखा नहीं सोए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।